देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और मैं हूं शिवम यादव। नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। गुजरात दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने एक बार फिर जीएसटी और नोटबंदी का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि सभी सुधारों के बाद अर्थव्यवस्था सही रास्तों पर आगे बढ़ रही है। दहेज में रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि सरकार ने नई कार्य संस्कृति शुरू की है जो लोगों को जवाबदेह बनाती है। इसके अलावा पीएम ने बंदरगाहों को विकसित करने की जरूरत बताते हुए कहा कि देश को बेहतर और ज्यादा बंदरगाहों की जरूरत है। पीएम ने कहा कि नोटबंदी ने ब्लैक मनी को बाहर निकाला है और जिससे स्वच्छता का नया अभियान शुरू हुआ है। जीएसटी के बारे में बोलते हुए पीएम ने कहा कि इससे देश में नया बिजनेस कल्चर बना है। प्रधानमंत्री ने कहा, कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारत की अर्थव्यवस्था का आधार मजबूत है। हमने अर्थव्यवस्था के लिए कठिन फैसले लिए हैं और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए आगे भी ऐसे कदम उठाते रहेंगे। देश की सैन्य छावनियां भी अब स्मार्ट सिटी बनने की राह पर हैं। सेना देश में 2000 मिलिट्री स्टेशन को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित करने के प्लान को अंतिम रूप देने में जुटी है। सैन्य अधिकारियों ने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के लिए 58 छावनियों की पहचान कर ली गई है। इस प्रोजेक्ट में देश की सभी छावनियों को शामिल किया जाएगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, हम छावनियों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना चाहते हैं, जहां सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। नवीनतम तकनीकी से युक्त आईटी नेटवर्क इसकी मुख्य विशेषता होगी। चीन ने पाकिस्तान में अपने बड़े अधिकारी की हत्या की आशंका जताते हुए सुरक्षा की मांग की है। चीन ने पाकिस्तान से अपने नव नियुक्त राजदूत के लिए कड़ी सुरक्षा की मांग की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीन ने यह कदम एक आतंकी संगठन से मिल रही धमकी के बाद उठाया है। चीनी दूतावास ने पाकिस्तान के आंतरिक मामलों के मंत्रालय को निवेदन करते हुए यह पत्र लिखा है। 19 अक्टूबर को लिखे गए इस पत्र में कहा गया है कि चीन के राजदूत की हत्या के उद्देश्य से प्रतिबंधित आतंकी संगठन ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट का एक आतंकी पाकिस्तान में घुस गया है। क्या आप हस्बैंड नंबर वन हैं? अक्षय कुमार की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा की तरह रियल लाइफ में भी पतियों को उनके घर में टॉयलेट बनवाने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इसके बावजूद उन्होंने विरोध को दरकिनार करते हुए इस बार करवा चौथ पर पत्नियों को टॉयलेट गिफ्ट किया है। यह सब हुआ है उत्तर प्रदेश के आगरा में। यहाँ के अब ऐसे 1500 पतियों को जिला प्रशासन हस्बैंड नंबर वन सम्मानित करने जा रहा है। यह सम्मान समारोह अगले महीने होगा। जिला प्रशासन ने हस्बैंड नंबर वन की स्कीम स्वच्छ भारत मिशन के तहत इसी साल 2 अक्टूबर को लॉन्च की थी। एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित हाल ही में परिवार सहित आगरा पहुंची। यहां उन्होंने ताश का दीदार किया। इस खूबसूरत पल को उन्होंने ट्विटर पर भी शेयर किया। बता दें कि सियासी गलियारों में आजकल ताजमहल को लेकर काफी चर्चाएं हैं। माधुरी ने ट्विटर पर 2 तस्वीरें शेयर की हैं। दोनों तस्वीरों पर माधुरी ने कैप्शन में लिखा है, राम और उनकी बहन की यह तस्वीर बेहद पसंद है। अब फ्लैश फॉरवर्ड, भारत के साथ प्यार जारी है। जय हिंद। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। तमाम समाचारों के लिए जुड़े रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ। धन्यवाद।